हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पोको कंपनी इस साल में अपनी नए नए स्मार्टफोन्स को लगातार लॉन्च कर रही है और धीरे धीरे इंडियन मार्केट में पोको कंपनी अपने पांव जमा रही है। और दोस्तों, पोको कंपनी मार्केट में मिड रेंज, हाई प्राइस और लो प्राइस के स्मार्टफोन जल्दी जल्दी लेकर आ रही है। तो दोस्तों, अब इसी बीच पोको कंपनी अपने एक और नए स्मार्टफोन को लेकर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, पोको कंपनी ने अपने नए स्मार्टफोन पोको C3 को लॉन्च कर दिया है, जो कि दोस्तों रियलमी 9C स्मार्टफोन का रीब्रांडेड स्मार्टफोन है और यह इंडियन मार्केट में पोको C3 स्मार्टफोन के नाम से लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, पोको C3 स्मार्टफोन के अंदर आपको रेडमी 9C स्मार्टफोन के जैसे ही फीचर्स देखने को मिलेंगे और इस स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन भी रेडमी 9C स्मार्टफोन के जैसा होगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन की डिटेल का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी पोको कंपनी के फैन हैं और आप एक बढ़िया और अच्छा लो प्राइस स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए पोको C3 स्मार्टफोन के लुक और इसके डिजाइन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन भी रेडमी 9C स्मार्टफोन के जैसा ही है। यानी दोस्तों, इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको स्क्वायर टाइप में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। और इसके साथ ही अगर दोस्तों बात की जाए स्मार्टफोन के फ्रंट पैनल की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के फ्रंट पैनल के ऊपर आपको वाटरडॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर इसके फीचर्स की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 6.53 इंच की HD वाटरडॉप नॉच डिस्प्ले दी है, जो कि 16x720 पिक्सल के रिजोल्यूशन के साथ है और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको डिस्प्ले तो बड़े साइज की देखने को मिल जाती है, लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने फुल HD पैनल नहीं दिया है। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि HD पैनल के साथ आती है। हालांकि दोस्तों, इसके अंदर आपको फुल साइज की बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की, तो दोस्तों इसके बैक पैनल के ऊपर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको उसके बैक पैनल के ऊपर 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और इसका मेन कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जिससे आप बड़ी और अच्छी पिक्चर्स कैप्चर कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको फ्रंट कैमरा इतना खास देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको सिर्फ 5 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा दिया गया है। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 2.3 GHz क्लॉक स्पीड वाले ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक हीलियो G35 का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मीडियाटेक का बढ़िया अच्छा लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिल जाता है, जिससे आपको यह स्मार्टफोन बढ़िया अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस दे सकता है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको मीडियाटेक का चिपसेट देखने को मिलता है। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के वेरियंट्स की, तो दोस्तों पोको C3 स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में 2 GB और 3 GB रैम के वेरियंट के साथ देखने को मिलता है, जिसके साथ आपको 32 GB और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको दोस्तों माइक्रो एसडी कार्ड का भी स्लॉट मिल जाता है। तो दोस्तों, मार्केट में स्मार्टफोन के आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं और इसके अंदर आपको दोस्तों ड्यूअल नैनो सिम स्लॉट भी मिल जाते हैं। और दोस्तों, अगर बात की जाए इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों पोको C3 स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ने 5000 mAh की बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी दी है, जिसके साथ आपको दोस्तों 10 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन की बैटरी के अंदर भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आपको कंपनी ने 5000 mAh की बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी दी है, जिससे आपको स्मार्टफोन लॉन्ग पावर बैकअप देगा। तो दोस्तों, यदि आप एक बड़ी बैटरी का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए एक बढ़िया अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आपके लिए ये स्मार्टफोन कैसा रहेगा। दोस्तों, यदि आप एक बढ़िया अच्छा लो प्राइस स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए पोको C3 स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। तो दोस्तों, आपको पोको C3 स्मार्टफोन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।